हीरोइन की खूबसूरती पर भारी पड़ने वाले इस हीरो का करियर किसने बर्बाद किया? दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे चॉकलेटी अभिनेता की जिनकी खूबसूरती उन्हीं के लिए भारी पड़ गई। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर श्रीदेवी, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले ये कलाकार जिसकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हो जाया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कपूर खानदान से इस हीरो का रिश्ता होने के बाद भी इसने हमेशा ही अपने करियर में स्ट्रगल किया और आखिरकार इन्हें बॉलीवुड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2014 के चॉकलेटी हीरो आफताब शिवदासानी की। आफताब शिवदासानी ने अपने एक्टिंग करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल किया, लेकिन उसके बाद भी इनकी पहचान एक सपोर्टिव एक्टर के तौर पर बनकर रह गई। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आफताब झूठे प्यार के चक्कर में पड़कर प्रोड्यूसर बन गए और ड्रग्स लेने की लत ने उनके करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया? आखिर क्यों आफताब शिवदासानी की जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी रही? कैसे इनका करियर खत्म हो गया, जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों एक समय था जब जॉन अब्राहम और डिनो मोरिया जैसे एक्टर्स के कॉम्पिटिटर माने जाने वाले आफताब शिवदासानी अपनी हर फिल्म में लीड रोल कर रहे थे। चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर हो चुके आफताब शिवदासानी को एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी। आफताब का जन्म सिंधी पिता और ईरानी माँ के घर 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ। आफताब बचपन से ही बहुत क्यूट थे और यही वजह थी कि छोटे आफताब के पास टीवी कमर्शियल्स की लाइन लगी रहती थी। सिर्फ 14 महीने की उम्र में ही आफताब ने अपनी क्यूटनेस के लिए फेरेक्स ऑफ द बेबी ईयर अवार्ड अपने नाम किया। आफताब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल से हुई और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के ही कॉलेज में पूरा किया। कॉलेज में आने से पहले आफताब कम से कम 350 टीवी कमर्शियल्स में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में उनकी एंट्री भी हो गई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर आफताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में नन्हे आफताब को भी नोटिस किया गया और फिल्म सुपरहिट रही। मिस्टर इंडिया के बाद आफताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कुछ और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें शहंशाह, चालबाज, अव्वल नंबर, CID और इंसानियत शामिल है। इन सभी फिल्मों में आफताब की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म शहंशाह में डायरेक्टर और क्रिटिक्स को आफताब ने अपनी एक्टिंग से अपना मुरीद कर लिया। फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल किया, जिसे बहुत पसंद किया गया। कॉलेज पास करने के बाद आफताब को काम की तलाश मिली और उन्हीं दिनों डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्ती के लिए उर्मिला की अगेंस्ट किसी फ्रेश चेहरे की तलाश कर रहे थे। 40 कलाकारों का ऑडिशन लेने के बाद जब रामगोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोड़कर की बहन ने डायरेक्टर को आफताब के कुछ कमर्शियल्स दिखाए और उनका नाम सजेस्ट किया। रामगोपाल वर्मा को भी आफताब अच्छे लगे और उन्हें ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। आफताब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रामगोपाल वर्मा ने उन्हें कॉल करके एक घंटे के अंदर मिलने के लिए कहा और आफताब के पहुंचने पर रामगोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने के लिए कहा। आफताब की परफॉर्मेंस देखने के अगले दिन ही रामगोपाल वर्मा ने आफताब के घर पहुंचकर उन्हें कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त कर रहे हो। 1999 में आई फिल्म मस्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। फिल्म में अपने अच्छे अभिनय के लिए बेस्ट डेब्यू जी सिने और फिल्म फेयर अवार्ड आफताब ने अपने नाम किए। इसके बाद 2001 में विक्रम भट्ट की फिल्म कसूर में आफताब को काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे। इस फिल्म में आफताब ने नेगेटिव रोल किया, जिन्हें दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक सब ने पसंद किया और आफताब ने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का जी सिने अवार्ड भी अपने नाम किया। आफताब के अच्छे प्रदर्शन की वजह से उनके पास ढेर सारे फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। हालांकि ये फिल्में मल्टी स्टारर थी, जैसे 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत, 2002 में आई क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन और प्यास, 2003 में आई डरना मना है, हंगामा, फुटपाथ और 2004 में आई मुस्कान और मस्ती। इन सभी में आफताब के अलावा भी कई हीरो हीरोइन शामिल थे। ज्यादातर फिल्मों में आफताब के रोल एक जैसे ही थे और उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि फिल्म मस्ती में उनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इस फिल्म को एक फूहड़ करार कर दिया गया। मस्ती के बाद 2005 से 2009 के बीच आफताब को सिमिलर रोल ही मिल रहे थे, जिनमें ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थी, जैसे 2005 में दीवाने हुए पागल, 2006 में शादी से पहले और अनकही, 2008 में आई देताली और मनी है तो हनी है।
2009 में आई आलू चाट, डैडी कूल और कमबख्त इश्क, 2012 में प्लेयर्स और 1920, 2013 में अ ग्रैंड मस्ती, 2016 में आई क्या कूल है हम 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती और 2019 में आई फिल्म सेटर्स। इसके बाद आफ्ताब कुछ रीजनल फिल्म्स और वेब सीरीज में भी नजर आए। आफ्ताब ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मल्टी स्टारर फिल्मों में भी सिर्फ एक तरह के रोल ही करते रहे। शायद यही वजह रही कि फिल्मों में उनके होने या ना होने से दर्शकों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में मिलना भी बंद हो गई। साथ ही जानकारों का ये भी कहना था कि आफ्ताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में इतनी गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट और उसमें अपने किरदार से कोई मतलब नहीं रहता था। जो मिला उसे करते गए, जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो बेहद ही फूहड़ और अश्लील कंटेंट वाली थी। अगर आफ्ताब की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो 2019 में आलू चाट में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म में काम कर रही अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई लेकिन आफ्ताब और आमना का प्यार परवान चढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आफ्ताब आमना के प्यार में इस कदर पागल हुए कि उन्हें हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में एस्टेब्लिश करवाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पर जब फिर भी सफलता नहीं मिली तो आमना के लिए उन्होंने खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जो 2009 में आई आओ विश करे। ये फिल्म फ्लॉप हुई और आफ्ताब और आमना का रिश्ता भी इस फिल्म के साथ ही टूट गया। आफ्ताब को जब दूसरी बार प्यार हुआ तब वो एक बुक स्टोर के उद्घाटन में गए जहां उनकी मुलाकात मॉडल निन दोसान से हुई। आफ्ताब को उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया और उन्होंने बिना देरी किए मुलाकात के 3 हफ्तों के अंदर ही उनसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। निन दोसान लंदन बेस्ड मॉडल थी और 2014 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में की गई थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर धूमधाम और रीति रिवाज से दोनों ने शादी की, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा हुई। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल में शुमार है। शादी के 6 साल बाद 2020 में इन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम नव्या रखा गया। आपको बता दें कि आफ्ताब की पत्नी की बड़ी बहन ने एक्टर कबीर बेदी से शादी की है। अगर कपूर खानदान से उनके रिश्ते की बात की जाए तो कम लोगों को ही पता है कि एक्ट्रेस साधना के पिता और बबीता के पिता हरी शिवदास सानी आपस में सगे भाई थे। वहीं साधना करीना और करिश्मा कपूर की मासी लगती है और आफ्ताब करीना और करिश्मा के भाई लगते हैं। आफ्ताब से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी की बात की जाए तो 2005 में एक ऐसी खबर आई कि आफ्ताब को पुणे के एक क्लब में नशीली दवाओं के सेवन के मामले में पकड़ा गया है। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफ्ताब क्लब में बैठे नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे और जब क्लब के मैनेजर ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा तो आफ्ताब भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। मैनेजर ने जब उनके खिलाफ कंप्लेंट की तो आफ्ताब ने अपने पॉलिटिकल रिलेशंस का इस्तेमाल कर उस क्लब का लाइसेंस ही रद्द करवाने की कोशिश की। हालांकि आफ्ताब से पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। आफ्ताब ने इंटरव्यू में कहा था कि जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं की और यहीं से उनका करियर खराब होने लगा। आफ्ताब ने अपने निजी जीवन में या फिर करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी हार नहीं मानी और हमेशा काम करने का प्रयास किया। हालांकि उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स के जरिए आज भी आफ्ताब अच्छी कमाई कर लेते हैं।